अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और आप देख रहे हैं एचटी न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर सीधे रुक करते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। नहीं मिल रहा, सब बेरोजगार बैठे हैं। एक आदमी कमाने वाला है वो भी 5,000-6,000 और खाने वाले हैं 8-9-10। पढ़ाई कैसे हो, बच्चे हमारे पढ़ चुके हैं कम से कम जो है इंटर पास कर चुके हैं, वो कहते हैं चाहते हैं कि जो है हम बन जाए डॉक्टर बन जाए हम, कोई बड़ी पासपोर्ट पर पैसे ही नहीं है, किस तरह से उनको आगे पढ़ाया जाए भाई। गवर्नमेंट तो अपने कह रही है हमने तो बहुत पढ़ाते हैं, नौकरी निकाल लें, दुकान करें हैं, तो आप यहाँ देहात का आदमी आता है इस वक्त किसकी फीसा चल रही है, गठबंधन यहाँ की क्या है, यहाँ पर तो बीजेपी का है, मोदी जी की लहर है, 100 रुपए मोदी जी की लहर है, मोदी जी का जो है काम से उससे आदमी संतुष्ट है इसलिए अपना दौड़ रहे हो क्या। आपका टीम नाम क्या है? हमारा नाम तो नदीम खान है। ये सिरसिया रोड है ढिंगा, सिरसिया रोड ढिंगा पे हम बैठे हैं, श्योस्ती के ढिंगा से ढिंगा के अंदर है ये सिरसिया रोड चली गई है। ये बताइए यहाँ पर क्या फिजा है, किसकी फिजा है? चुनाव पे तो यहाँ गठबंधन है या कमल है या पंजा है या हाथी? ज्यादातर तो सर कमल का है। कमल का जी, कमल का है, आप किसको वोट दे रहे हैं? देंगे कमल को। तो क्यों देंगे उसकी तो वजह होगी, जो जिसको भी आप जीते तो उसमें कोई अच्छा नहीं। पहली बात अच्छाई तो ये है बीजेपी में कि जब से योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं तब से सुरक्षा व्यवस्था गुंडा मुक्त प्रदेश। ये तो आप सरकार के बोल रहे हैं, सरकार नहीं बोल रहे हैं, आप सरकार के बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तब हम बोल रहे हैं, सरकार का कोई वो नहीं है, हम लोग सुरक्षित हैं इसलिए बोल रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं। चलिए भाई बहुत अच्छा, आदाब अहमद पर ये कौन रोड कहलाई जाती है? नई मार्केट भिंगा की, भिंगा की नई मार्केट है। अच्छा तो हम ये जानकारी चाह रहे हैं कि आपके जो बिहार का आदमी आता है और शहर का आपके इस इलाके का जो है उन लोगों को क्या ख्याल है, कुछ बता रहे हैं? अभी अनुमान कुछ नहीं लगा पाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत तो उसने अनुमान कोई लग ही नहीं रहा कि किसकी जीत होती है किसकी हार होती है, अनुमान कुछ नहीं लग पा रहा। नहीं आदमी तो ये बताते हैं वोट हम दे रहे हैं, भले जीते हार वो अलग बात है, वो बात सही है, लेकिन ये तो कहते हैं कि हम फला भी दे रहे हैं फला भी दे रहे हैं। हाँ तो ये तो चर्चा हर जगह है कि हम जो है कांग्रेस को दे रहे हैं या साइकिल को दे रहे हैं या हाथी को दे रहे हैं या फूल को दे रहे हैं, लेकिन ये तो हर जगह चर्चा है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। जीत हार तो कोई नहीं बता पाएगा, ये कोई नहीं बता पाएगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। कौन रोड बताया? नई मार्केट, नई बाजार, नई बाजार, नई बाजार। तो गठबंधन की है, पार्टी की है, कमल की किसकी है? ना मुझे ध्यान नहीं है, मैं सोचा देखो ठीक है तो मैं किसको बचे तो अब देखो जिधर लहर रह गए उधर हम भी नहीं लहर तो कहीं आप खुद लगी है, हम लोग बता रहे हैं, बता रहे हैं कि खुद जिधर लहर रह गए उधर हम नहीं रहेंगे। मैं लहर तो और वहाँ की रिपोर्ट ले जाए थोड़ी लहर है। अच्छा और लोगों से तो सुनते होंगे कि किसकी चल रही है, जितने भी चांसेस हैं तो ये मणि जी तो हैं, साइकिल वाला या पंजा है या हाथी है या कमल है, किसका ज्यादा जोर किसका है? जी सर साइकिल का जोर है, साइकिल का जोर है। तो ये तो साइकिल बता रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो? तो हम बताने सारा धंधा कर रहे हैं, साइकिल की तो ऐसी लहर है। आप बोले हो साइकिल चलेगा, साइकिल चलेगा। हाँ भैया आपका नाम क्या? सफी। कहाँ रहते हो? भिंगा में। अच्छा सफी, सफी सफी क्या चल रही है, किसका जोर है? बहुत जी इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है राम कुमार जायसवाल पिछड़ी जात। अच्छा हाँ, ये पिछड़ी तो भिंगा सिरसिया रोड पे हम हैं, बस स्टैंड है, बस स्टैंड के सामने यहाँ पर ये जयसवाल जी का ये होटल है, जयसवाल जी का होटल है। आपसे हम हाँ फिजा तो हमारे मोदी चचा का चल रहा है। अच्छा हाँ, धुआंधार बहुत जा रहा है। आपका क्या विचार है?
हमारा विचार है कि मोदी चचा हमारे आगे से जीते, तो क्यों उन्हें क्या खूबी है कुछ आप बताएंगे उनके बारे में? कुछ उनके बारे में क्योंकि हर गरीबों का मकान बनाया, हर गरीबों का ये चीज तो पहले भी थी और वो भी चीज है और ये भी रहेगा। ये कोई नई चीज बताइए, अब नई चीज नहीं चल रही थी और अब चलने लगी हो? ये भाईजान से पूछो, हम पढ़े लिखे हैं, हम मोदी जी जो है बहुत मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया, क्या काम किया है? बहुत बड़े बड़े काम किया किसानों के लिए, किसान MSP नहीं दिया उन्होंने, बताइए किसानों की MSP तो है नहीं, MSP नहीं है, क्या ही बड़ा काम हुआ? अरे आप तो ये जाइए, महंगाई है कि नहीं है? देखिए महंगाई जो है वो महंगाई तो रहने रहना है, किसी की सरकार भी नहीं। अच्छा बेरोजगारी है? अरे हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने कहा था लेकिन अभी 200 नौकरी भी नहीं दिया किसी। देखिए इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब इसके बारे में देखिए, नौकरी देने वाले जो है बहुत है, पाने के इच्छुक बहुत है, लेकिन मोदी जी ने जो लोगों को क्वालिफाइड थे, पढ़े लिखे थे, उन लोगों को नौकरी दी। ऐसा नहीं है, कम से कम लाखों आदमी करोड़ों इस वक्त बेरोजगारी पे है, पढ़ा लिखा जाहिल है वो बेरोजगार, उसकी शादी ब्याह नहीं होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब इसके बारे में हम क्या कहें भाई, हम तो इसके विषय में आपसे चर्चा करें तो भाई देख, किसी के अगर हम अच्छाई हो ना तो अच्छाई आप बताइए, अगर महंगाई है आप कह रहे महंगाई है, बेरोजगारी है कि नहीं है? तो जब आप ये मान रहे हैं कि बेरोजगारी भी है महंगाई भी है तो आप फिर किस बेसिस पे आप वोट दे रहे हैं? नौकरी 2 करोड़ देने का एक नौकरी नहीं, पब्लिक नहीं, नौकरी की बांट निकली, लीक हो गया पर्चा, अब जिसने फार्म भरा उससे कुछ पैसे तो लगाए होंगे, तो पैसे तो कर खत्म। जैसे आपने कहा कि महंगाई है मानते हैं, महंगाई खत्म, बेरोजगारी है तो हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो जो है वो पब्लिक है ही, अब उसके बाद में भी आप वो किसको देंगे ये तो आप जानते हैं। 30 लाख देंगे, उसने झूठ नहीं बोला कि हम 2 करोड़ 10-20 करोड़ देंगे, और फिर 15 लाख देने का आया खाते में कुछ तो आया होगा, तो ये सब सच है कि झूठ है? आप सच बोलिए, आप तो सच बोलिए, आप जीवन ईश्वर ने आपको जीवन दिया है दुनिया में, आया सच बोलिए, क्यों तो डर है किसी के खाते को है नहीं तो देता आपको? कोई नहीं देता है, करते हैं हम अपना खुद खाते हैं अपना खुद, तो फिर सच बोलिए ना, क्या बोले?